मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नमस्कार। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अलग अलग योजनाओं से सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आया है, उन अनुभवों को सीधे उन्हीं लोगों से बातचीत करते हुए मैं जान पाऊं, और इसलिए मैं अक्सर ऐसे लाभार्थियों से सीधे मुलाकात करने का प्रयास करता हूं। सही हो, गलत हो, अच्छा हो, खराब हो, दिक्कतें आई हो, सहूलियतें मिली हो, इन सब के बारे में सीधे आप जैसे लोगों से जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार में अफसरों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होती है उसका अपना एक महत्व है ही है, लेकिन प्रत्यक्ष जिले से लाभ मिला और जिन लोगों को लाभ मिला उनसे जब संवाद करके सुनते हैं तो नई चीज सुन। अब जैसे उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, मैं उस उज्ज्वला के लिए काफी बातें करता था, लेकिन जब उज्ज्वला के लाभार्थियों से मिला उन्होंने एक बड़ी मजेदार बताई हुई बात। उन्होंने कहा हमारा पानी बच गया। मैंने कहा पानी कैसे बच गया? तो पहले बोले लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाते थे तो सारे बर्तन काले हो जाते थे और दिन में चार चार बार बर्तन साफ करने के लिए बहुत पानी लगता था। अब गैस का चूल्हा आ गया तो हमें वो करना नहीं पड़ रहा है। अब ये बात मैं नहीं मानता हूं कि मैं उनसे बात करता तो मुझे समझ आती, तो कई बहुत सी बातें हैं जब मैं खुद बात करता हूं। और उसी सिलसिले में आज मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं या वो लोग जिनके सामने अब घर तैयार हो रहा है, घर बनाने में जुड़े हैं, जिनको कुछ ही समय में घर मिलना निश्चित है, ऐसे सब लोगों से रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का एक अवसर मिला है। आप जानते हैं हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो। गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो, भले छोटा ही क्यों ना हो। और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है वो जिसे घर मिला है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। और मैं जब आपको टीवी के माध्यम से आज देख रहा हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहा हूं, आपके चेहरे पर जो खुशी है, एक संतोष का भाव है, जीवन जीने का एक नया उमंग पैदा हुआ है, ये मैं देख रहा हूं। और जब आपका उत्साह और उमंग मैं अपने आंखों से देखता हूं, मेरा उत्साह उमंग भी 10 गुना बढ़ जाता है। फिर मेरा भी मन करता है और ज्यादा काम करूं, आपके लिए और मेहनत करूं, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी मुझे देखने को मिलती है और वही मेरी खुशी का कारण है। किसी भी आवास योजना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को मात्र सिर छिपाने के लिए एक जगह दे दी जाए। आवास का मतलब घर से है, सिर्फ चार दीवारों से और छत से नहीं। घर यानी वह जगह जहां जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें परिवार की खुशियां हो, जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल में भी यही भाव है, अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी ये इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब की इच्छा अधूरी ही रह गई। इस सरकार ने संकल्प लिया और तय किया कि 2022 जब हमारी आजादी के 75 साल हो जाएंगे,
तो कुछ हम ऐसे अवसर होते हैं जब कुछ सबको दौड़ने का मन कर जाता है, चलो भाई आजादी के 75 साल हो रहे, चलो कुछ काम करें, ज्यादा करें, अच्छा करें, सब लोगों की भलाई के लिए करें, स्वाभाविक भाव जगता है। हमने भी कोशिश की है कि 2022 आजादी के 75 साल हमें ये 5 साल 4 साल जो भी समय मिला है दौड़ने की हिम्मत आ जाए, काम करने की इच्छा आ जाए। और उसमें एक सपना लिया है 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और सिर्फ घर ही नहीं, उसमें बिजली हो, नल में जल हो, गैस का चूल्हा हो, सौभाग्य की बिजली हो, शौचालय हो, यानी एक प्रकार से उसको लग रहा चाहिए हाँ अब जिंदगी जीने योग्य बन गई है, अब कुछ और करके आगे बढ़ने के रास्ते खोजेंगे। गरीब से गरीब आदमी को भी सिर्फ विश्राम के लिए जगह ही न मिले बल्कि मान सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। मतलब आपका सपना मेरा सपना है, आपका सपना देश की सरकार का सपना है। करोड़ लोगों के विशाल देश में यह संकल्प पूरा करना मामूली काम नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी है, कठिन है। और आजादी के इतने सालों का अनुभव कहता है कि यह सब संभव ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीब की जिंदगी है, बिना घर रहने वालों की जिंदगी है, जिसने मुझे ये निर्णय करने की हिम्मत दी है। आपके प्रति प्यार ने, आपके प्रति मेरे दिल में जो लगाव है उसके कारण इतना बड़ा निर्णय किया है। अब निर्णय पूरा करने में सरकारी मशीनरी, बाकी लोग भी मेरी मदद में है, काम हो रहा है, लेकिन ये तब होता है, सिर्फ इच्छा शक्ति से थोड़ा हो जाता है, इसके लिए योजना चाहिए, इसके लिए गति चाहिए, जनता का विश्वास और समर्थन चाहिए, जनता के लिए समर्पण का भाव चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए पहले की सरकारों के जो कामकाज हैं, कैसे काम होता था, कैसे शुरू करते थे, कहां जाके पहुंचता था, सब आप लोग जानते हैं। मैं समझता हूं कि आज उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमने कहीं मजदूरों श्रमिकों के नाम पर, कहीं झुग्गी झोपड़ियों के नाम पर मकान बनाना शुरू किया, लेकिन बढ़ती आबादी के लिए ये प्रयास ना काफी ही साबित हुआ। बाद में ये योजना व्यक्तियों के नाम पर बनने लगी, परिवारों के नाम पर बनने लगी। स्वाभाविक तौर पर इनका उद्देश्य सामान्य मानवी को घर देने के बजाय राजनीतिक हितों को साधने का अधिक हो गया था। बिचौलियों की बड़ी फौज बन गई थी और ठेकेदार का मालामाल चलता था। हमने एक अलग अप्रोच के साथ इस चुनौती पर काम किया। टुकड़ों में सोचने के बजाय मिशन मोड में काम करने का संकल्प किया। हमने तय किया है कि 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करेंगे। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो स्वाभाविक है कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट भी बड़ा चाहिए। एक समय था जब बजट आवंटन के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब हम पहले लक्ष्य तय करते हैं, देश को किसको पहले जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसके आधार पर लक्ष्य तय करते हैं, फिर उसके अनुसार बजट निर्धारित करते हैं। इसी का परिणाम है कि
कि शहरी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पहले जो सरकार थी जो गरीबों के नाम पर ही खेल खेलती रहती थी, यूपीए सरकार के 10 वर्षों में जितने घरों को निर्माण को मंजूरी मिली थी, सैंक्शन हुआ था, पिछले 4 वर्षों में हमने उसका लगभग 4 गुना अधिक सैंक्शन किया है। यूपीए सरकार के 10 वर्ष में कुल 13.5 लाख घर सैंक्शन किए गए थे, जबकि हमारी सरकार के तहत पिछले 4 साल में 47 लाख यानी करीब करीब 47 लाख, एक प्रकार से 50 लाख के पार पहुंचने के अधिक घर हमने सैंक्शन कर दिए हैं। इनमें से 7 लाख घर नई टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। हम हाउसिंग में नई टेक्नोलॉजी को बल देने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ये शुरू कर रहे हैं, ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग की नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके। इसी तरह यदि गांव की बात करें तो पिछली सरकार के अंतिम 4 साल में गांवों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 25.5 लाख घरों का निर्माण किया गया था। वहीं हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया है, यानी 325% से भी अधिक वृद्धि। पहले मकान बनाने के लिए 18 महीने का समय तय था, लेकिन हमने इसको घटा करके इसको महत्व समझते हुए गति तेज करते हुए 18 महीने का काम 12 महीने में पूरा करने का संकल्प करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि 1 वर्ष से भी कम समय में घर बनकर तैयार हो रहा है। आज घरों के निर्माण में तेजी आ रही है, और ये तेजी कैसे आ रही है? सिर्फ ईंट और पत्थर तेज गति से हम डाल दें तो घर बन जाते, ऐसा नहीं है। इसके लिए सभी स्तरों पर योजनाबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्केल ही नहीं, साइज को लेकर भी परिवर्तन किया गया है। गांवों में पहले घर बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर था, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब हम लोगों ने आकर के इसे 20 मीटर की जगह पे 25 वर्ग मीटर कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि इस 5 वर्ग मीटर का ही फर्क लेकर कितने जगह बढ़ जाने से घर में क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह है, एक अलग साफ सुथरा रसोई घर अब इसमें जुड़ गया है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले 70-75 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब हमने बढ़ा करके 1.25 लाख रुपया कर दिया है। आज लाभार्थियों को मनरेगा से 90-95 दिनों का मेहनताना मजदूरी के लिए भी उसके खाते में जमा होता है। इसके अलावा आज शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। पहले देखने को मिलता था कि बिचौलियों के नेताओं के घर तो बन जाते थे, लेकिन गरीब का घर नहीं बनता था। गरीबों के पैसों में कोई सेंध न मारे, उसे कोई और न ले जाए, इसके लिए हमने पक्की व्यवस्था बनाई। आज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलिए खत्म हुए और लाभार्थियों को सब्सिडी और सहायता राशि सीधे उनके खाते में दी जा रही है। पहले जनधन अकाउंट खोला, अब रुपया भेजना शुरू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए ये जो घर बन रहे हैं, जो आवास बन रहे हैं, उनका जियो टैगिंग की व्यवस्था की है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इन कामों को दिशा पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जहां यह देखा जा सकता है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैं मेरी ऑफिस से मॉनिटर कर सकता हूं कि कितना काम हुआ है, कहां कहां हुआ है, उसका पूरा डिटेल मैं मेरे दफ्तर में बैठ करके भी दे सकता हूं। यूपीए के कार्यकाल में लाभार्थियों का चयन, जो पुरानी राजनेताओं ने तैयार की हुई बीपीएल सूची से किया जाता था, लेकिन आज हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के माध्यम से किया करना शुरू किया, और उसके कारण पहले जो छूट जाते थे अब उनको भी हमने जोड़ दिया है, और इसके कारण अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके उनको लाभ मिले। हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। घर सिर्फ जरूरतों से नहीं, घर सम्मान से भी जुड़ा होता है, स्वाभिमान से जुड़ा होता है, और एक बार अपना घर बन जाता है तो घर के हर सदस्य की सोच भी बदलती है, आगे बढ़ने का नया हौसला पैदा होता है। हमारा प्रयास है हर परिवार की इस जरूरत को पूरा करना और उसके सम्मान को बढ़ाना, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फोकस विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ही हमने केंद्रित किया है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं प्रयासों का ही परिणाम है कि आज तेजी से घरों का निर्माण हो रहा है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, सामान्य जन की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और यही कारण है कि हम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। सरकारों में ऐसा चलता आया है कि हर योजना अलग अलग काम करती है। पहले मंत्रालयों के बीच, दो विभागों के बीच, दो योजनाओं के बीच समन्वय ही नहीं होता था। प्रधानमंत्री आवास योजना में विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ लाया गया है, उन्हें जोड़ा गया है। निर्माण और रोजगार के लिए इसे मनरेगा से जोड़ा गया, घर में शौचालय, बिजली, पानी और एलपीजी गैस की सुविधा हो इसका ध्यान अलग से रखा गया, घर में शौचालय हो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया, घर में बिजली की सुविधा हो इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना को इसके साथ लिंक कर दिया गया, पानी की सुविधा के लिए इसे ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से जोड़ा गया, एलपीजी की व्यवस्था हो इसके लिए उज्ज्वला योजना को इससे जोड़ा गया। ये आवास योजना सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण का भी माध्यम है। शहरों में जिनको मकान का लाभ मिला है उनमें 70% महिलाओं के नाम पर है। आज जब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा घर बन रहे हैं तो इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं, और रोजगार के अवसर निर्माण सामग्री बनाने और घर के निर्माण में मिलने वाले मैंडेट से ही भी कहीं ज्यादा है। स्थानीय स्तर पर ईंट, रेत, सीमेंट से लेकर हर प्रकार की निर्माण सामग्री का व्यापार बढ़ रहा है, स्थानीय श्रमिकों, कारीगरों को भी काम मिल रहा है। इसके साथ साथ गांवों में गुणवत्तापूर्वक कार्य के लिए सरकार ने 1,00,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है, मेसन्स का। और आपको यह जानकर के भी खुशी होगी कि अब कई राज्यों में राजमिस्त्री की तरह रानी मिस्त्रियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को
इस योजना के तहत सम्मिलित करने के लिए सरकार ने 4 मॉडल्स पर काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को घर बनाने या उसका विस्तार करने के लिए प्रति घर 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत घर बनाने हेतु किए गए लोन पर ब्याज में 3 से 6% की सब्सिडी दी जा रही है। एरियाज में रीडेवलपमेंट के लिए सरकार प्रति घर 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। या पब्लिक सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में किफायती आवास अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्रति घर 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। पहले देखने को मिलता था कि बिल्डर्स पैसा तो ले लेते थे लेकिन सालों तक एक ईंट भी नहीं रखते थे। गरीब और मध्यम वर्ग का फायदा हो, घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके, मध्यम वर्गीय परिवार जो जिंदगी की सारी कमाई मकान बनाने के लिए लगाता है उसको कोई लूट न ले जाए, इसके लिए हमने रेरा RERA रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू किया। इस कानून से पारदर्शिता आने के साथ साथ खरीदार को उनका हक मिल रहा है और अब बिल्डर्स भी खरीदार से किसी भी तरह का धोखा करने से डरते हैं। आज देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं को इस योजना ने पंख लगाए हैं। घर होने से समृद्धि और सुरक्षा तो बढ़ती ही है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपना घर होना सबकी पहली प्राथमिकता होती है, पहले भी होती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि पहले ये सबसे आखिर में पूरी होती थी और कभी कभी अधूरी ही रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम सब हमेशा सुनते आए हैं एक जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में, सुनी है ना ये कहावत, पूरी एक जिंदगी बीत जाती है अपना घर बनाने में। पर अब ये सरकार दूसरी है, अब कहावत भी बदलनी है, देश बदल रहा है, कहावत भी बदल रही है और कहावत को बदलने का समय आ गया है। अब समय आ गया है जब हमारे अंदर से आवाज उठेगी कि अब जिंदगी बीतती है अपने ही आशियाने में। मैं मानता हूं कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था है तो अभी भी कुछ लोग होंगे जिनकी पुरानी आदतें बदली नहीं होगी, और इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि इस योजना के तहत किसी भी तरह का लाभ पहुंचाने के लिए अगर आपसे कोई पैसा या कोई अनावश्यक मांग कर रहा हो तो आप बेहिचक इसकी शिकायत करें। इसके लिए आप कलेक्टर या म्युनिसिपल कमिश्नर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भारत के सपने और आकांक्षाएं इतने भर से ही पूरे नहीं होते। हमने एक मजबूत जमीन तैयार की है और हमारे सामने एक असीम आसमान है। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी। आधुनिक सुविधाओं से जुड़े गांव और स्मार्ट सिटीज की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में भाइयों बहनों से आज मुझे मौका मिला है बात करने का। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको भी सुनना चाहता हूं। काश के मौसम इतने भी मतलबी ना होते। मकान नहीं रहने पर धूप में, बरसात में, ठंडी में बाहर सोना पड़ता था। काश के बादल को, सूरज को भी ये दर्द दिखते होते। जो प्रॉपर्टी में रहे फिर पत्रा लगा के दूठे रहे, मुसीबत बहुत से रहल, घाम लगत रहा, धूप लगत रहा, बरसात रहा तो चुहत रहा,
काश के इन करोड़ों घरों की किस्मत में भी कुछ छतें, कुछ दीवारें, कुछ खिड़की दरवाजे होते। किस तरह से रिश्तेदार भी आ जाते, देख कर शर्मिंदा होना पड़ता था। हम लोग पेड़ के छाए तर समय थोड़ा सा बिता लेते थे, रात में भी वही हाल होता था, जानवर का हर एक चीज का डर रहता था। तो इसी डर को भगाने के लिए देश ने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज उठाया, सबके सर पर छत बनाने का। आरंभ रहे थे आवास योजना के अंतर्गत, अब रहने के लिए जगह हो गई। देश के एक एक गरीब के सर पर सजानी है छत। मुसीबत देखें प्रधान ने घर दे दिया, आवास मिलने के बाद हमारी जिंदगी बहुत सरल मिल गई। देखा, मौसम अब पहले की तरह सताते नहीं। दो किस्त में आया था पैसा, उसी तरह से जिस दीवार तैयार हो गई उस पैसे निकालते चले। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों का रहने के लिए घर मकान बन गया है। किसने कहा यहाँ सिर्फ घर है, यहाँ बिजली है, पानी है और शौचालय भी है, और घर घर में है जिंदगी। 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो, और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो, पानी हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो। नियत को लेके चले हम, कड़े फैसलों के साथ खड़े हम। बात साफ है, एक एक नागरिक की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। हाँ, छत्तीसगढ़ के काफी लोग बैठे हैं, बताइए कौन बताएगा। फूलमती जी बता रही हैं। फूलमती जी नमस्ते। नमस्ते सा। हाँ बताइए बताइए, आपके चेहरे पर तो खुशी तो दिख रही है। हाँ बताइए। सांग घर बनली कसन लागली सांग। घर बनली सर। बोल बोल बोल। अच्छा लागली। अच्छा लगा, घर बन गया बोल रही। कितना कितना समय हो गया आपको घर मिले फूलमती जी? कितना समय होली घर बन लो? एक साल होली के। एक साल। अच्छा हो गया घर? घर अच्छा होली। अभी मेहमान आते हैं तो कैसा लगता है, सब क्या बोलते हैं? सगाई लन पसंद लागे से। अच्छा लागे सगाई लन बन। बेटी बड़ी हो गई होगी, शादी करनी होगी, तो अब घर देख करके अच्छा लड़का भी मिलता होगा। लड़का नातिया से दुई जन। अच्छा बच्चे पढ़ते हैं क्या? पढ़े से। अच्छा शौचालय शौचालय बनाए क्या? बनाले से। अच्छा शौचालय का उपयोग करते हैं? शौचालय में बकरी बांधती है, क्या किया? सब उपयोग करते हैं बोल रहे सर। तो आपने ये क्या है, वो गणेश जी रखा है क्या आगे? वो जी टोकरी में जी गणेश जी आपको आशीर्वाद खांग दिया। क्या है जरा बताइए क्या है? गणेश भगवान है हमर महिला समूह ने झूलवा छे हमर बाडले उनके तो देवा का जे आपके लिए आशीर्वाद के लिए गणेश भगवान। आप सब मिलकर के मुझे आशीर्वाद देंगे? हां। देखिए माताओं बहनों के आशीर्वाद की बहुत ताकत होती है। आपको मालूम है आपको घर मिला तो मुझे कितनी खुशी होती होगी, आपको अंदाज है क्या? बहुत खुश लग रहा है सर। गंजी बर्तन अब सब सिस्टमेटिक रखते हैं ये बोल रहे हैं। अच्छा तो आप लेकिन घर आ गया तो फिर पर्दा करना पड़ता होगा, फिर वो पैर पहुंचने वाला बाहर रखना पड़ा होगा, मेहमान आ जाते हैं तो आपको कुर्सी और दरी रखनी पड़ी होगी, जरा खर्चा बढ़ गया होगा। लेकिन अच्छा लागी लग रहा है। आराम से करे बस।
चिकल पानी तोड़ कर लिए चुकना है लोलू सी। हाँ वो माताजी को बोलने दीजिए, वो बड़े उत्साह से कुछ कह रही, बताइए। आराम से लागे से। चलिए भगवान आपको बहुत शक्ति दें, अब घर मिल गया है। देखिए घर में अब व्यसन नहीं आना चाहिए। अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में महिलाएं तंबाकू खाती हैं, वो बजर का उपयोग करती है, हैं? ये सब बंद करना चाहिए। करेंगे? देखिए बीमार नहीं होना है, हैं? बच्चों को पढ़ाना है और पानी बचाना, बिजली बचाना, ये जितना करेंगे हम सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। करेंगे? हाँ। मेरी बात सबको बताएंगे? हाँ। तो आज आपको प्रधानमंत्री जी मिले तो आप क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, आपके आपके बेटे बेटी आपसे झगड़ा करेंगे कि आप प्रधानमंत्री मिल के आए और हमको तो मिला है नहीं, है? घर में आपके पति भी नाराज हो जाएंगे कि तुम कहां मोदी जी को मिलने चले गई, हमसे तो बताया नहीं। नहीं सागे करे आए लोग का बता के आए हैं, बोल रहे हैं सर। हैं? तो घर वाले खुश है? हाँ। वाह, तो आज क्या घर में कुछ मिठाई मिठाई बनाओगे? हाँ। है? हाँ। फिर तो बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वाह, आपके गणेश जी के लिए, और गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आपने ये अच्छा आइडिया किया आपने। अब कौन आ रहा है भाई? तमिलनाडु, वेलोर, वड़क्कम। हाँ बेगम अभी बताइए, आप तमिलनाडु में तमिल में बोलिए, वहाँ कोई हिंदी कर देगा मैं समझ जाऊंगा। मैं उर्दू में बात करेंगी जी। बेगम अभी वड़क्कम, हाँ बताइए। मैं बस कावेरी पाकम साकुन जी, मैं बहुत दिना से घर नहीं सो, मेरा जिंदगानी में घर नहीं सो रहता। अब ये स्कीम आया बस, हाँ हम ना आको पूछे तुम ना घर नहीं बल्लतिंग आकर पूछे। हाँ बल्लतिंग कर बोली मैं बसता है, वीडियो आए आको उन्हों भी पूछे। अच्छा कर बोल को उन्हें क्या करे, दो दिन जाको उन्हों चाको मैप डाल के दिए। हाँ जरा मुझे घर बनने के लिए ट्रांसलेशन करके बताइए। सर इन्हें बोलना है कि पहले इनका घर जो था वो झोपड़ी घर वो रहते थे उसमें, फिर उनके जब ये आवास के बारे में पता चला वो जा करके अपने वीडियो से मिले और वीडियो आकर के उनका पुराना घर जो था उसको देखे थे, फिर वहाँ पे उनका मैप बनाए थे जो नया घर का, तो इसके चलते उनको नया घर मिला है। कितना समय हो गया नया घर मिले? कैसे बारिश में रहते है, धुआं में रहते है, अंधेरे में रहते है, बहुत तकलीफ सब पड़े जी हमें। घर आप बने बस हमने राहत ही है, उसका सवाब तुम ना पहुँचूंगा। हाँ बताइए। इनको ये कहना है कि पहले जो झोपड़ी घर था उसमें अंधेरे में, बारिश में, धूप में रहते थे, तो अभी जो नया घर है उसमें ये सब सुविधाएं हैं, तो इसलिए जो कष्ट है वो अभी नहीं पड़ रहा है उनको। अच्छा, उसके कारण रात को नींद भी अच्छी आती होगी, बच्चों को भी अच्छा लगता होगा, 10 महीने में बीमारी भी नहीं आई होगी घर में। बहुत खुशी है, अच्छी नींद आती है, फिक्र नहीं है बारिश का भी, क्या भी नहीं है, बरसात का, बाढ़ का क्या फिक्र भी नहीं है। आप तो बढ़िया हिंदी बोल देती है बेगम अभी। हिंदी मालूम नहीं जी मुझे। नहीं फिर भी बहुत अच्छा बोलती है आप। बच्चे पढ़ते हैं क्या? एक बेटी शादी करके दे दी उसको। अच्छा, तो अभी रोजा करते होंगे तो घर में जल्दी खाना पकाना पड़ता होगा।
चार बजे तो पहले जब झोपड़ी में रहते थे तो रोजा कर पाते थे क्या? गरम गरम पका का खाना नहीं होता था, अब गरम गरम पका खाते उजाले में। झोपड़ी में रहते थे उसमें रात को खाना पकाते थे और वही सुबह खाते थे, सुबह उठ के खाना नहीं पका पाते हैं, लेकिन अभी नया घर के चलते वो अभी सुबह सुबह अच्छा खाना गरम खाते। अच्छा अच्छा, यानी सुबह रमजान का उपवास शुरू होने से पहले गरम खाना परिवार, तो परिवार वाले बहुत खुश होते होंगे आजकल तो। बच्चे ही जी इस बार, खुशी इस बार, पर है। इस बार आप घर में बताइए ईदी के लिए अच्छी अच्छी भेंट सौगात ले आए अपने घर वाले। ईद के इंद वर्षों नाला नाला विषय नाला कौन सुन रहा है? अच्छा जी आपका छो है, आपके संतोषी छो है। अच्छा शौचालय का सब उपयोग करते हैं गांव में लोग? अच्छा ये घर लेने में आपको किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा, रिश्वत नहीं देनी पड़ी ना, किसी ने बेईमानी करने की नहीं की ना आपसे? नहीं नहीं, हमें क्या भी किसी भी देने एक पैसा भी नहीं दिया। ये मुझे सुन करके अच्छा लगा। नहीं 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 तो गरीब को लूटने वाले इतने लोग होते हैं, वो बेचारों को इतना परेशान करते हैं, कहेंगे ये फॉर्म लेना है ये इतने पैसे दो, चलो मैं फॉर्म भर के देता हूँ इतने पैसे दो, और ऐसे ही करके लोगों गरीबों को लूट जाते हैं। तो आप लोगों को ये फायदा हो गया, मुझे अच्छा लगा। अब मेरी आपसे अपेक्षा यही है कि बच्चों को जरूर पढ़ाइए, खास करके बेटियों को पढ़ाइए। अच्छा, अगर बेटियाँ पढ़ेगी तो देखिए एकदम से घर में बदलाव आ जाएगा। तो आप खुश हैं मोदी जी से? अच्छा, खुशी ही सही है मैं। हाँ, तो मोदी जी को हमारी खुशी, मोदी जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा जरूर मिलेगा। पक्का? पक्का। हाँ तो अभी अभी जब नमाज करती हो ना रोज रमजान में, तो ऐसी 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 नमाज करो ताकि हमारे देश की तरक्की हो, सब गरीबों का भला हो। तुम्हारी दुआ हम ना कभी भी होना जी। आपकी दुआ करो। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद, वणक्कम, नमस्ते, शुक्रिया। हाँ मध्य प्रदेश जबलपुर, कहिए उषा भाई। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए उषा भाई घर मिल गया? जी सर। कब मिला? मिल गया, एक साल हो गए सर। एक साल हो गया, तो अब तो आदत हो गई अच्छे घर में रहने की। पहले कैसा घर था? पहले कच्चा मकान था सर। हाँ। पानी चूता था। हाँ। और बरसात पे नींद पूरी नहीं होती थी। हाँ। अब अच्छी नींद होने लगी, अच्छे काम करने जाने लगे, समय से उठने लगे सर। हाँ, हाँ। तो बच्चों को मालूम है पहले कितनी मुसीबत में आप जी रहे थे, सब मालूम है बच्चों को? बच्चे नहीं है सर, हम अकेले हैं, हमारे पति जी खत्म हो गए। ओहो हो, क्या हो गया? एक्सीडेंट में खत्म हो गए। अरे बाप रे, तो फिर ये मकान आपके नाम पे मिल गया कि पहले मकान आपके पति के नाम पे था, क्या था? नहीं सर, हमारे नाम पर है। अच्छा, तो फिर आपके पति के मरने के बाद मकान मिला कि पहले मिल गया? अब मरने के बाद मिला है। अच्छा, तो आपको तो आश्चर्य हुआ होगा कि अब घर में पति नहीं है फिर भी ये सरकार चिंता करती है, आपको ढूंढ करके मकान बना दिया, आपको अच्छा लगा होगा? अच्छा लगा सर। हाँ, तो आप दिन भर क्या काम करती हैं? मजदूरी करते हैं सर। कहाँ पर क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी में करते हैं, जहाँ लग गया वहाँ करते हैं। अच्छा, तो आज क्या बताया था, आज आपको कौन मिलने वाला था, क्या बताया था सब? बाबू लोग ने बताया होगा ना आज यहाँ आपको दफ्तर में ले आए थे? सर मोदी सरकार जी आ रहे हैं सर, तो इसलिए हम आज काम छोड़ के आए। अच्छा, आपसे मिलने के लिए। अरे वाह 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 वाह, चलिए, लेकिन फिर ये तो काम छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी एक दिन के लिए। नहीं सर, नहीं, आपसे मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको ठीक लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ वहाँ?
बिल्कुल ठीक लगता है सर। मैं कोई गलती तो नहीं करता ना? नहीं सर, नहीं सर। कोई बुरा तो नहीं करता ना? नहीं सर, कोई बुरा नहीं। देखिए आप अच्छा अगर लगता है ना तो सच्चा बता दीजिए, तुरंत मोदी जी का कान पकड़ के बोलिए कि मोदी जी अच्छा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अच्छा लगता है सर। हैं? आप लोगों को तो हक है, आप लोगों ने बोल देना चाहिए जी सर। हाँ तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या लगता है जब आपको घर मिल गया तो? अच्छा लगता है सर कि आपको मिला तो हमको भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, लोगों को ये तो नहीं लगता है ना कि तुमने किसी को पैसा दे दिया होगा, किसी नेताजी ने तेरी मदद की होगी, ऐसा नहीं बोलते ना? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। देखिए इस सरकार की एक विशेषता है और मैं सबको कहना चाहता हूँ, हम ये सबके लिए काम इसलिए करते हैं कि कभी किसी को ये लगना नहीं चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जो नेताओं के अगल बगल में पहुंच सकते हैं, सरकार के गलियारों में जा सकते हैं, बिचौलियों तक पहुंच जाते हैं, उन्हीं को फायदा मिलता है। ये जो पुरानी सारी मान्यताएं थी, आदतें थी, इसको बदलने में मुझे मेहनत पड़ रही है, क्योंकि मैंने तय किया है भाई जो भी काम करना हर एक के लिए करो। बिजली देनी है 18,000 गाँव में, सबको दो तो किसी को नहीं लगेगा मेरा पराया नहीं लगेगा। अभी हमने एक कार्यक्रम किया ग्राम स्वराज अभियान, 16,000 गाँव में जहां दलित बस्ती ज्यादा है, और हमने तय किया कि 7 चीजें उन गांवों में हर एक को पूरा करना है, करके दिखाओ। और भारत सरकार के भी अफसर गए, 800,000 अफसर गए, सब गांव गांव गए, हमारे पार्टी के नेता लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, और इन 16,000 गांवों में सबको आश्चर्य हुआ कि हमें घर में कोई पूछने आया कि आपके घर में बिजली नहीं है, बताइए कनेक्शन कब लेना है, लट्टू कहाँ लगाना है, तार कहाँ से ले जाना है। तो लोगों को संतोष हो जाता है कि भाई ये सबको मिलने वाला है, भले किसी को इस महीने मिलेगा, किसी को दूसरे महीने मिलेगा, किसी को 4 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन सबको ये विश्वास है कि ये सरकार ऐसी है कि हर किसी को मिलेगा। और आपने सही कहा कि अड़ोस पड़ोस के लोग जिनको नहीं मिला है उनको भी भरोसा है कि भले उषा भाई को मिल गया हमको भी मिलेगा, यही है ना? हाँ सर। ये अगल बगल में बैठे उनको कुछ कहना है कि आपके साथ जो बैठे हैं उसमें? और कोई कोई बात करना चाहता है आपके बगल में से? जी सर। भाई भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं सर महिला ही बोल सकती है। अच्छा इतने सारे घर बन रहे हैं तो आपको मजदूरी भी मिलती होगी? यहाँ कुछ लोग राजमिस्त्री होंगे, मकान बनाना सीख गए होंगे अब तो? नहीं सर, हमारे इधर तो औरतें नहीं बनाती हैं, लड़के बनाते हैं। उषा भाई को नहीं आता है लेकिन औरों को तो आता होगा, इतने सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं। नहीं सर, यहाँ किसी को नहीं आता। हाँ बताइए बताइए। किसी से नहीं आता है बोलते हैं सर। हाँ चलिए, मुझे अच्छा लगा, और आपका परिवार में आपको सुख शांति मिले, सब लोगों को जल्दी से जल्दी घर मिल जाए, यही काम हमको करना है, और सबको रोजी रोटी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका सर। असम अरुण मुनि गोवाला। हाँ अरुण मोहन नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए क्या करने गया? की बोलना? हाँ मकान मिल गया अरुण जी? हाँ हाँ, कितना समय हुआ? मिल गया। हाँ कितना दिन हुआ? की बोलता है कितना दिन हुआ घर? बच्चा दिन हो गया है। एक साल हो गया। एक साल हो गया। हाँ एक साल हो गया। एक साल हो गया तो अच्छा। हाँ। लगता है, पहले कहाँ रहते थे आप? अच्छा आप तो झुपड़ी घर में रहता है। अच्छा झुपड़ी में रहता है। घर एकदम भंगा। हाँ भंगा फूटा घर। हाँ। बहुत वर्षा गिरता रहा। हाँ हाँ। अभी नया हो गया। तो कभी कभी तो बहुत बाढ़ आ जाती होगी तो सारा बह जाता होगा। हाँ। तो अभी अच्छा नया घर में अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है सर। हाँ
बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, नतनी है, नाती है। हाँ न, अच्छा नाती भी है? हाँ, नतनी भी है और नाती भी है। हाँ। अच्छा अगल बगल में लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला होगा, वो जरा आपसे ईर्ष्या करते होंगे अब? हाँ सर, मुझे हमको ही में नहीं मिला। नहीं मिला ना? तो है। हाँ। तो भी नहीं मिला है। सबको मिला है? नहीं, जिसको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। अच्छा हुआ जो ये बेटी बैठी है उसने कहा कि मुझे अभी मिलना बाकी है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंकिता गगोई पड़ा। अच्छा, देगा तुम्हें भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। हाँ। क्योंकि हमने तय किया है। हाँ, कभी एक दो चार महीना इधर उधर हो सकता है क्योंकि बनाने हैं मकान, लेकिन हमारा इरादा है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हर परिवार को रहने के लिए अपना घर हो, ये हमने ठान के रखा है। क्योंकि हमारी गरीब माताओं बहनों का मुझे इतना आशीर्वाद मिला है तो उनके लिए मुझे कुछ करना है, और इसलिए सबसे बड़ा काम है अगर माँ बहनों को मकान मिल जाए तो उनको इज्जत मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है, और ये काम हमको करना है। आपके गांव में स्कूल है क्या? हाँ है। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। मास्टर जी आते हैं? मैं 16 साल लड़की है। हैं? 3 साल हो, 3 साल है। अच्छा आंगनवाड़ी भी है क्या? हाँ हाँ आंगनवाड़ी भी है। हैं? अच्छा आपके यहाँ जो टीकाकरण के लिए आते हैं, माताएं बहनों ने टीकाकरण कराना चाहिए, सगर्भा महिलाओं को टीकाकरण करना चाहिए, छोटे बच्चों को टीकाकरण, वो करवाते हैं क्या आप लोग? हाँ, वरना देखिए कभी कभी लोगों को लगता है इसकी क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा होगा, लेकिन वो छोटा सा टीका भी बच्चों की जिंदगी बचा लेता है, माताओं बहनों की जिंदगी बचा लेता है। तो हमने ये सरकार का सबसे जितना फायदा उठा सकते उठाइए, जितनी चीजें हैं सब आपके लिए हैं, आपकी ताकत बढ़े इसके लिए है। करेंगे आप लोग? अच्छा आसाम में तो आप लोग तो तमाकू बहुत खाते हैं, सुपारी बहुत खाते हैं, मालूम है ना, उसे बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाता है, तो बंद करेंगे इसको? है? नहीं करेंगे। मोदी जी को घर देना है तो दे, घर वापस ले जाए तो ले ले, लेकिन हम तंबाकू बंद नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, करना है बंद। करना है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, जरूर करना चाहिए। और अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों के मन में इच्छा है कुछ अच्छा करने की। एक बार अगर घर में तय कर लेने पे कुछ बुरी चीज नहीं होने देनी है तो अपने आप घर अच्छा होने लग जाता है, और एक बच्चे बड़े होते होते तो बिल्कुल जिंदगी बदल जाती है, और इतना सम्मान से जीते हैं। अब घर बन गया तो फिर मन करेगा साइकिल ले आएंगे, अब घर बन गया तो थोड़े दिन के बाद मन कर जाएगा स्कूटर ले आए जाएंगे, ऐसा मन करता है ना? हाँ। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आसाम की सब माताओं बहनों को, और जिनको घर नहीं मिला है उनको भी मिलने वाला है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। हाँ लखनऊ, नमस्ते। अरे वाह 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 वाह, सारी चाबियां लेकर के बैठे हैं आप लोग। हाँ। कहिए क्या हुआ है लखनऊ में, बताइए रंजना जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा हमको, हमारा मकान मिला। हाँ, कब मिला और कितने लोगों को मिला? 5 महीने हो गए हैं। अच्छा 5 महीने हो गए। हाँ। कभी सोचा था मकान मिलेगा, ऐसा सोचा था? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें मकान मिलेगा। हाँ। तब मकान मिलने के बाद फर्क क्या आया जिंदगी में? बहुत बड़ा फर्क आया है। कैसे? बहुत अच्छा लगा है। पहले छप्पर में रहते थे हम सब लोग। हाँ। और पानी भी बरसने लगता था और कीड़े मकोड़े सब आने लगते थे, आंधी तूफान। अब बच्चों को संभाले कि मतलब छप्पर संभाले,
और जब छप्पर संभालो बच्चों संभालो जहाँ पानी आ जाता था वही सब जो बचता था वो भी सब भीग जाता था। तो बहुत हमें गरीबी बहुत महसूस हुई थी। तो पहले भी सरकारें आकर के वादे तो करती थी और आप जाकर के वोट भी थप 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 वोट दे करके आ जाते थे, मकान क्यों नहीं मिला? सरकार इतनी आई है लेकिन हमें मकान नहीं मिला। और जब आपकी सरकार आई है आप वोट देते रहे। वोट तो जब देना पड़ता था तो देते थे लेकिन हमको ये महसूस हो रहा है अब घर मिला है तो हमेशा आप ही की सरकार रहना चाहिए, हम आप ही को वोट देंगे। देखिए हमारे मिले हैं। हाँ, हम लोग वादे नहीं करते, हम वादे निभाते हैं और हमारा काम यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका घर मिल जाए। और हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, और मैं चाहूंगा इसका काम करना चाहिए। आपके पति देव क्या करते हैं? राजगिरी का काम। अच्छा, राजमिस्त्री हैं? हाँ। तो उनको तो बहुत काम मिल गया होगा, इतने सारे मकान बन गए तो। हाँ, हम भी अपना भी मकान दोनों मिलके बनाए हैं, हम। अच्छा? हमारे पति। आपको आता है बनाना? हाँ। नहीं, वो मतलब मिस्त्री थे, हम सब देते थे मसाला ईटा। हाँ हाँ। दोनों जने मिलके बनाया है मकान अपना। अरे वाह, तो बच्चों ने भी मदद की होगी? बच्चे सर अभी छोटे हैं। छोटे हैं लेकिन मन में लगता है अब घर आया तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, घर बनने के बाद कोई मेहमान आए होंगे तो उनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले बहुत मतलब फील होता था कि हमारे मकान नहीं है, मेहमान ही ना आए हमारे घर। शुरुआती ही नहीं थे घर देख करके। मतलब ऐसा घर ही बना था हमारा है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये भाई साहब कुछ कह रहे थे, बताइए क्या बोला आपने? सर हम बोल रहे हैं कि पहले हमारे घर पर मेहमान आ ही नहीं रह रहे हैं। अच्छा, इनका घर खराब है, ये है, वो बेइज्जती करके जाते थे फिर भी वो। सही बात जो सही है वो सही करने में क्या दिक्कत? नहीं, सही बात है, अपमान करके जाते हैं वो, हमारी मजाक उड़ाते हैं, ये बात सही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सिर्फ घर और चार दीवारें नहीं मिली, सम्मान मिला है। अब आप दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं कि देखो भाई हमारा अपना घर है और हम इस परिवार में रहते हैं। और अब तो बच्चों को अच्छी बेटी बहू भी अच्छी मिलेगी, घर अगर पक्का है, अच्छा है तो। सही है सर। हाँ सर, आपकी ही जो है हमारी तमन्ना है, आपकी ही सरकार जो है रहे हमेशा। बाद आप सबके आशीर्वाद बने रहे, गरीबों के आशीर्वाद बने रहे और मुझे भी काम करने का उत्साह बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें कुछ कहना है। हाँ बताइए। मंजू जी मतलब छोटी देवराई से बक्सीतार। हाँ। बीकेर लखनऊ से आए हैं और हम मतलब घर मिला है, सब कुछ मिला है मतलब, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मतलब घर में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और समय मिलता है तो मैं मिट्टी का काम करता हूँ। ये हमारे पति हैं ऋकेश। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, क्या तो पढ़ाई हुई आपकी जी? कितनी पढ़ाई हुई आपकी जी? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक। अब बच्चों को पढ़ाते हो? जी सर पढ़ते। हाँ, पढ़ाई है पक्का। हाँ चलिए सर। अरे वाह, फोटो लाई हो आप? हाँ सर, ये मकान हमने बना के दिखाया। ऐसा मकान बनाए हो? हाँ ऐसा मकान बनाए हैं सर। चलिए, हम भी कभी मकान बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, हमने बनाया नहीं है। जी जी, आपने इतने मकान बनाए? हम तो अभी भी सरकारी मकान में रहते हैं। ये पानी की तो नहीं तो है मतलब, जो घर बन गया पहले पानी जैसे बरसता था तो घर के अंदर आ जाता था, अब बढ़िया सा घर बन गया, रहने की जगह हो गई, बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। अच्छा, अब रिश्तेदार भी खुश हैं, आते हैं। तो ये आपके फोटो आपने उस पर भी तो ऑनलाइन किया होगा, सब लोग देख सकते हैं फोटो को? मैं भी मेरे चैम्बर में से आपकी फोटो देख सकता हूँ, हमने ऐसी व्यवस्था की, कोई झूठ, कोई अब चोरी नहीं कर सकता है। जिसका मकान मिला है वो मकान के सामने खड़ा रहता है तो हमें पता चलता है हाँ इसको मकान मिला है जी। लेकिन हमें मकान सर मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी गरीबी दूर हो गई। नहीं, गरीबी को हमने बिल्कुल खत्म करना है जी, हमें ही गरीबी को हराना है। और जो नेता लोग बोलते हैं ना वो गरीबी हटाएंगे, वो तो ऐसे ही बातें करते हैं। गरीबी को गरीब ही खत्म करेगा। गरीब अगर ताकतवर बन गया तो गरीबी को भागना ही पड़ेगा जी। जैसे तबीयत अच्छी हो जाती है तो बीमारी को भागना पड़ता है ना,
वैसे अगर गरीब मजबूत हो गया तो गरीबी को भागना पड़ेगा, और इसलिए मैं गरीबी को भगाने के लिए गरीबों को मजबूत करने में लगा, उनको घर मिल जाए, उनको घर में बिजली मिल जाए, उनको चूल्हा गैस का मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई मिल जाए, उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो सस्ती दवाई मिल जाए, उनके बच्चों को रहने के लिए पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाए। ये हमारा गरीब को ताकत बनाने का रास्ता है। बैंकों का खाता खोल दिया, अब बैंकों का खाता खोल दिया तो लोग पैसे बचाने लग गए, पैसे बचाने लग गए तो फालतू खर्चा होता तो बंद हो गया, तो घर में धीरे 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 बदलाव शुरू हो जाता है। तो यही काम हम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा रंजना जी से आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है झारखंड, अंजलि देवी जी। हाँ सर, हाँ सर, कैसे? अरे ये तो वही खुंटी है, मैं आया था अभी। जी हाँ सर, आज हैं, पहले भी आया था एक बार, आपको मालूम है वो सोलर प्लांट के लिए आया था खुंटी। हाँ सर, जी सर, पहले मिले सर, अभी मिल रहे हैं सर। हाँ बताइए अंजलि जी, आप क्या करती हैं? हम फुटपाथ में कपड़ा बिजनेस करते हैं सर, बच्चा लोगों को कपड़ा बेचते हैं। अच्छा सर, हमें आपके मुख्यमंत्री जी बता रहे थे झारखंड के हमारे रघुवर दास जी कि जैसे राजमिस्त्री होते हैं वैसे उन्होंने झारखंड में रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग कोर्स किया और महिलाएं रानी मिस्त्री बनी हैं और उनको मकान बनाना बिल्कुल इंजीनियर से भी अच्छा आ गया है, तो ये इसका अनुभव कैसा है? सर बहुत अच्छा है सर, रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग करके हम लोग समूह में ग्रुप बना लिए हैं। आप खुद रानी मिस्त्री हैं? जी। अरे वाह, क्या नाम मेरा आपका? मेरा नाम गायश्री कुमारी है सर। हम रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग किए हैं 2016 में और 200-300 शौचालय बनवा निर्माण किए हैं अपने से। हाँ। और सर अभी अब तो खत्म हो गया है, तभी जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उसमें भी हम लोग काम में लगे हुए हैं। आपको काम मिल जाता है? लोगों जो मकान बना रहे उसको भरोसा है कि गायत्री कुमारी जो मकान बनाएगी वो अच्छा बनाएगी? सर बहुत को तो नहीं है, लेकिन बहुत को सर है, लेकिन बहुत पहले मिस्त्री लोग करता है, उन लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत को जो जान गया उन लोगों को भरोसा है सर। ये पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है जी। हाँ, वो कोई महिला अच्छा काम करेगी तभी वो बिग बैठक डालेगी। मेरा उद्देश्य है कि शौचालय में बहुत का अभी शौचालय बन गया है लेकिन शौच मुक्त नहीं हुआ है सर, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं सर, जो झाड़ी अभी शौचालय ये करने के लिए महिलाओं के लिए वो का शौच है। हाँ। शौचालय का सुविधा बन गया है, इसको हमको हटाने का उद्देश्य हम लिए हुए हैं सर उसको। और भी कोई है रानी मिस्त्री यहाँ? प्रणाम सर। हाँ नमस्ते जी, क्या नाम? नीरू देवी। अच्छा नीरू जी, आप भी मकान बनाती हैं? हाँ। कितने समय में सीख लिया आपने? कम से कम 3 साल। 3 साल हम लोग इसमें टेस्ट। अच्छा। टेस्ट किया गया था इसमें रानी मिस्त्री में। हाँ। और इसमें अभी 15-20 जन फिर जुट गया इसमें। हाँ। उन लोग को दिए, उन लोग भी कर लिया साथ है। हाँ। और अपना घर भी हम लोग खुद से बनाए। अच्छा। लेकिन कोई दीवार आप नया नया बनाते हो तो दीवार इधर उधर हो जाती है, ईंटें कभी इधर, ऐसा तो नहीं होता है ना? उसमें नापी रस्सी लगाना पड़ता है, इसमें साहुल देना पड़ता है। तो बिल्कुल सब आ गए आपको जी? हाँ जी सर। तो आप तो इंजीनियर हो गई। तो जिन लोगों का मकान बना है वो कहते होंगे कि ये नीरू जी ने मकान बनाया। 200 तक बना लिए हैं। हाँ। फिर अगला और आगे और करेंगे। कितनी रानी मिस्त्री हैं आपके इस खूंटी में? अभी तो हम लोग जुटे हैं अभी कम से कम 20-15 जन। 73 जी सर। लोगों को जो घर मिल जाता है उनसे कभी बातें करने का मौका मिलता है आपको? क्या कहते हैं जिनको घर मिलता है वो? सर वो लोग बहुत खुश होती है, वो लोग बोलती है कि पहले इतना दिन पहले हम लोग कभी आवास नहीं मिला था और अभी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। पहले हम लोग पानी में भींगते थे, जब बरसात में छप्पर का घर होता था, खपड़ा का घर होता था, उसमें पानी चूता था बरसात में, तो वो लोग क्या करती थी सर, मेला ही प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सर। जिस समय मेरा घर रहे था, हम तो खैर हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला लेकिन हम दूसरों को मिल रहा है, बहुत खुश है सर। हम अपने से बना लिए हैं अपना घर,
हम और मेरा हस्बैंड दोनों मिल के बनाए अपना घर को सर। हाँ। हम और मेरा हस्बैंड मिल के बनाए अपना घर को, और मेरा बच्चा लोग को भी हम ईटा ढोवाते थे, क्या करेंगे, स्कूल जाता था सरकारी स्कूल, मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है सब कोई, और अपने से बनाए हैं सर हम। और जिस समय मेरा घर नहीं था उस समय में ये घर में ये ढाबा का हवा में रहते थे सर, ढाबा होता था कोठा ढाबा उसका हवा हाँ। होता है उसमें रहते थे सर, पानी बर्दाश्त नहीं करता था और पूरा रात भर चूता था, रात भर हम प्लास्टिक अपना बच्चा का मच्छरदानी छोटा था उसके मच्छरदानी ऊपर प्लास्टिक छाड़ देते थे सर, और हम लोग दोनों हस्बैंड वहाँ पूरा जहाँ जहाँ पानी गिरता था वहाँ पर हम लोग छानते चलते थे सर। और इस तरह इतना हमको सोच था कि हम कब घर बना लें, घर बना लिए हैं, लेकिन अभी हमको बहुत खुशी हो रहा है कि प्रधानमंत्री सबको आवास मिल रहा है सर। और जिसको नहीं मिला है, जिस गरीब महिला को नहीं मिला है चाहे पुरुष को नहीं मिला, उसको आप आपके तरफ से मिलना चाहिए सर, इसके लिए आपको नहीं मिलने वाला है। गायत्री जी आप विश्वास कीजिए, मैं जो काम करूंगा सबके लिए करूंगा और पूरा करके रहूंगा, ये मेरा पक्का है, यही तो मेरी विशेषता है। अच्छा आपको ये मालूम है सरकार जैसे घर देती है, अगर वो आप अपना छोटा कोई कारोबार करना चाहे तो बैंक से बिना गारंटी पैसे भी देती है, मुद्रा योजना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मुद्रा लोन, जी सर। आप लोग लेते हैं खूंटी में? जी सर, लिए हैं सर। किसने लिया? हाँ बताइए बताइए, क्या अनुभव आया आपका? सर बहुत फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हमें मुद्रा लोन भी मिला, और उसके कितना कितना पैसा मिला आपको? 50,000 मिला सर। हाँ 50,000 तो कितना होता है जी? सर मूड़ी सर, हम पहले चूड़ी बेचते थे सर, बहुत तकलीफ से पोसे बाल बच्चा सर, मेरा हस्बैंड भी डेड कर गए थे, 3 बच्चे हैं सर, में लेकर के चूड़ी बेचते थे सर, उसके बाद फिर बच्चा लोग को पढ़ाए लिखाए सर। अभी तो फुटपाथ में कपड़ा बिजनेस करते हैं सर, और बहुत हमें मिला प्रधानमंत्री योजना आवास घर, तो हमको बहुत खुशी लगा। मेरा बच्चा लोग पहले कच्चा मकान में ही रहते थे सर। हाँ, तो ये चूड़ी बेचने का कारोबार अभी बढ़ा पैसे मिलने से? चूड़ी बेचने का कारोबार बढ़ा आपका? चूड़ी बेचना छोड़ दिए सर, अब कपड़ा बेचते हैं। अच्छा चूड़ी से अब कपड़े पे चले गए? हाँ। अच्छा तो ये मुद्रा योजना का लाभ औरों को भी मिलना चाहिए, और बैंकों में से मैंने बहुत आग्रह किया है सर, कि गरीब को सबसे पहले पैसा देना। जी सर, मुद्रा मिल रहा है। हाँ सर, मुद्रा लोन। जी सर, मुझे भी मिला है मुद्रा लोन। तो आप क्या करती हैं? जी सर, कपड़े का सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करती है? जी सर। कितना महीने भर कितने रुपए का काम करती है? 6,000-7,000 का कर लेती हूँ सर। अच्छा तो परिवार में और भी मदद करते होंगे आपको? परिवार में और भी मदद करती हैं, और एक दो महिला और मदद करती हैं। अच्छा दो महिलाओं को काम दे दिया है आपने? जी सर। तो उनको कितना पैसा देती हैं आप? जैसे वो लोग सिलाई करती हैं सर, उस पे वो लोग का पैसा बनता है। अच्छा तो उनको भी कमाई होने लग गई। तो पहले आप मुद्रा योजना के पहले आप अपना भी पैसा नहीं कमा पाती थी, मुद्रा योजना के बाद खुद भी कमाती हैं और दो और लोगों को भी कमाने के लिए अवसर देती है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत इसको और बढ़ाना है सर। हाँ वहाँ नहीं बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए। देखिए ये उत्साह जो आपका है ना जी सर, हमारे देश की ताकत है जी सर। अब तो प्रधानमंत्री आवास भी आप दे दिए हैं सर। हाँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर। बात आप बहनों का आशीर्वाद बना रहे हैं, और परिवार में कोई व्यसन न हो, नशा न हो, बच्चों की पढ़ाई हो। आप देखिए, देखते ही देखते गरीबी को भागना पड़ेगा, पक्का भागना। जी सर, आप रहिएगा सर तो जरूर गरीबी भाग जाएगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी सर, धन्यवाद। हम लोग का शुभकामना है और दुआ है सर कि बस आपके आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री आप ही बने सर, आपके आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा। बहुत जोहार 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 सबको जोहार। छिंदवाड़ा जी सर। हाँ रेखा जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए सर। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, और इससे मुझे वहाँ सब बात की सुविधा भी है। इतने उम्र अच्छी नाली, आपको अच्छी रोड। इतने दिन कैसे, कहाँ रहे आप, इतनी जिंदगी तो कैसे बिताई आप? जी मैं इतने दिन से किराए के मकान में ही रहती थी, झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में, इस प्रकार मैंने जीवन बिताया। हाँ। और अपना रोजगार करती थी, प्रेस करती थी, कपड़े धोती थी। हाँ। और तो पहले भी जीवन कोशिश चलाती तो की थी। होगी आपने घर पाने के लिए कोशिश नहीं तो किया सर?
नहीं किया सर, किसी ने हमको ध्यान ही नहीं देता था कि ऐसा मकान बना के देंगे हमें। आप जैसे प्रधानमंत्री मिले, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आशीर्वाद दूंगी सर। आपके जैसे प्रधानमंत्री इस भारत में बहुत जरूरत है आपकी। मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम सभी हम जैसे गरीबों के लिए हम जैसे गरीबों के लिए आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और भारत में आप ऐसे ही बने रहेंगे। बस आपके सपने पूरे हो इसके लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। और आपको मकान मिल गया, मुझे अच्छा लगा। और सभी माताएं बहनें जो बैठी हैं, मैंने हर एक के चेहरे पर बड़ा खुशी देख रहा हूं, मैं आनंद देख रहा हूं। सब खुश है सर। हाँ, सब खुश है सर। बस यही, अपने अपने बच्चों की पढ़ाई हो रहा है, सबके लिए सब खुशी है सर। आपकी खुशी के कारण मुझे काम करने की और हिम्मत आ जाती है, और ज्यादा काम करने का मन करता है। हम आप जैसे प्रधानमंत्री पाकर धन्य हुए सर, क्योंकि अरे आपने प्रधानमंत्री बनाया, तरक्की करे। अरे प्रधानमंत्री तो आपने मुझे बनाया है। लेकिन सर हम गरीबों की गरीबी आपने दूर किया है। बस आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी मध्य प्रदेश के वासियों को भी, जिनको मकान मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं, और जिनको मकान मिलने वाला है उनको भी शुभकामनाएं। और मैं देश के सभी गरीबों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2022 तक हर परिवार को मकान देना चाहते हैं, और ये काम बड़ी तेजी से करना है, सबके लिए करना है। किसी को 2 महीने पहले मिलेगा तो किसी को 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। ये मेरा काम है और मैं करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके दर्शन करने का, आपका आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद।